हरदोई जिले के विभिन्न स्थानों के बाद अब पाली क्षेत्र में भी बाघ की दस्तक हुई है। अकोड़ा गांव में बाघ के पैरों के निशान मिले हैं और ग्रामीणों के अनुसार एक सियार को भी बाघ ने मार दिया। मृत सियार सरसों के खेत में पड़ा हुआ मिला, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों की सूचना पर पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को भी सूचित कर दिया है। आपको बता दें, पाली थाना क्षेत्र के अकोड़ा गाँव में रविवार को ग्रामीणों ने बाघ को देखने के दावा किया है। गाँव के पास खेतों में बाघ के पैरों के निशान भी देखे गए, साथ ही एक सियार मृत अवस्था में खेत में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों का दावा है कि बाघ ने ही हमला करके सियार को मौत के घाट उतार दिया है। बाघ की आवक से पाली क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग दहशत में हैं। ग्रामीण बाघ आने को लेकर काफ़ी चिंतित और भयभीत हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पाली थाना के प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिंह, उप निरीक्षक नीरज कुमार, कांस्टेबल जयपाल उपनेश आदि पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से भयभीत न होने की अपील की। उन्होंने कहा कि वन विभाग को सूचित कर दिया है और उचित कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को डरने की जरूरत नहीं है, ग्रामीण सतर्कता बरतें और भय ना फैलाएं। फिलहाल बाघ के पंजों के निशान बाघ होने की ओर इशारा कर रहा है। साथ ही एक मृत अवस्था में सियार मिला है, जिसके शरीर पर चोटों के निशान भी हैं, जिससे ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि बाघ ने ही सियार को मारा है। बताते चले, हरदोई जनपद के विभिन्न स्थानों पर बाघ देखे जाने की सूचना मिल रही थी और सनीला क्षेत्र में भी गांव एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में बाघ स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल पाली थाना पुलिस मौके पर है और वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। हरदोई से अतुल मिश्रा की रिपोर्ट।